लाई तुझे पूछे सोनिया, इतना जुल्म नहीं बर्दाश्त होता। बेचारी, या अल्लाह मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर और मोहताज। क्या बात है मैडम, आप क्यों शोर कर रही हैं यहाँ पे? ऐसे लोग एतराज करेंगे यहाँ पे। मैडम घर पर ही हैं, आप बेल दें, वो खोल देंगे दरवाजा। नहीं, मैं चाहती हूँ। सोनिया, हेलो सोनिया, सोनिया क्या हुआ? हेलो तैमूर, तुम कब आए? यहाँ क्यों बैठे हो बाहर? चलो अंदर। इसे क्या देख रहे हो? हैरत की वजह से। किस बात की हैरत? बच्चे नाराज थे मुझसे। सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे मुझसे और सुहेल से तो नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुम पे तो जान देते हैं। तुमसे नाराज नहीं रह सकते वो। तभी तो हैरत हो रही है। हैरान हूं मैं। कुछ कहा है उन्होंने? अभी एक बात बताइए मुझे, लेकिन सच और दिल से। तैमूर, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। सच तो यह कि झूठ बोलने की कभी नौबत ही नहीं आई।
इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में तुम्हारे आगे झूठ बोलूं। उसी एतबार से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। क्या मैं आपको वाकई बहुत बुरा लगने लगा हुआ? नहीं तैमूर। देखिए, पलक से शादी मैंने आपकी पसंद से की थी, आपके कहने पे की थी, क्योंकि इस शादी में मुझे तुम दोनों का फायदा नजर आया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ ऐसा सुलूक करेगी। आगे चलकर मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा। फलक ने जो घटिया इल्जाम मुझ पर लगाया उसके बाद मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो इस घर में रहे। इसका मतलब है कि आप वाकई चाहती हैं कि मैं और फलक इस घर से चले जाएं। अनु, ये बात आप बच्चों से नहीं करती। तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी बच्चे झूठ नहीं बोलते। आपने उनसे ये बात कही है कि मैं फलक को यहां से लेकर चला जाऊं। जितना ये घर आपका है ना भाभी, उतना ही फलक का। अब फर्ज करने की अगर उसने आपसे कोई भी गलत बात की है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और फलक कहीं नहीं जाएंगे घर छोड़कर।